वीकेंड आते ही दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में शुक्रवार सुबह बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। दिन भर सूरज की लुका छुपी जारी रही, लेकिन शाम होते होते बादलों ने पूरी तरीके से दिल्ली एनसीआर को ढक लिया। बता दें, शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। खैर, ये वीकेंड दिल्ली वालों के लिए कैसा जाने वाला है, हम आपको इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर इस वीकेंड आपका बाहर जाने का प्लान है तो इस वीडियो को पूरा देखें। IMD की भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश का ये सुहाना मौसम बना रहेगा, जबकि शनिवार और रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें, इस बीच अच्छी बारिश होने के आसार हैं, साथ ही लोगों को बारिश के बाद होने वाले जलभराव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये भी जान लें कि मौसम विभाग ने 12 और 13 अगस्त के लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया है, यानी इस दौरान आसमान में बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन भारी बारिश होने की संभावना बेहद कम है। उन दिनों तापमान 25 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। 12-13 अगस्त के बाद 14 अगस्त से मौसम दोबारा अपना रुख बदल सकता है। इस बीच बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि, क्या आप येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट में अंतर जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए पहले हम आपको ये बता देते हैं। IMD चेतावनी या सतर्क करने के लिए येलो अलर्ट जारी करता है। इसका मतलब होता है कि लोगों को सतर्क रहना होगा कि अगर मौसम ज्यादा खराब होता है तो इसके लिए वो तैयार रहें। साथ ही मौसम से जुड़ी अपडेट पर भी ध्यान रखना जरूरी होता है। मौसम खराब होने पर विभाग ऑरेंज अलर्ट जारी करता है। आसान शब्दों में कहें तो ऑरेंज अलर्ट का मतलब ये होता है कि लोगों को घर से बाहर निकलने पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस कंडीशन में किसी जरूरी काम के चलते ही घर से बाहर निकलना चाहिए, वरना जरूरत ना होने पर बाहर जाना अवॉइड करें। इस दौरान सावधानी बरतनी बेहद जरूरी होती है। जब मौसम ज्यादा खराब हो तब IMD रेड अलर्ट जारी करता है। ऐसे में नुकसान की संभावना बनी रहती है। आसान शब्दों में समझा जाए तो भारी बारिश, तूफान, बादल फटने की स्थिति में रेड अलर्ट जारी किया जाता है। इस कंडीशन में जान माल का नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसी भी बला से निपटने के लिए सावधानी बरतने के साथ तैयार रहना बेहद जरूरी है। तो ये होता है येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट में अंतर। मॉनसून की बारिश जारी है, ऐसे में कभी भी प्लान बनाने से पहले वेदर अपडेट पर अपनी नज़र जरूर बनाए रखें। बारिश गर्मी से तो राहत दे रही है, लेकिन इससे अच्छी खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में खुद को सेफ जरूर रखें। लोकल 18 के लिए दिल्ली से योगिता माहेश्वरी की रिपोर्ट।